आपको भी पता है 2 बजे रात तक हम लोग जो है राजभवन मार्च किए, रात के अंधेरे में अच्छे काम होते हैं, ये सुशील मोदी जी का कहना है। सुशील मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक विचारधारा, सिद्धांत और नीति से समझौता नहीं किया। अगर हम लोग समझौता कर लेते तो सुशील मोदी जिस पद पे है अभी उसी पद पे होते, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे कोई राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति है। हम लोगों ने कभी भी नीति, सिद्धांत और विचार से समझौता नहीं किया और ना हम करेंगे। और आगे जिस प्रकार से बिहार में जो ये लोग चाहते हैं, जो मंसूबा ये लोग चाहते हैं, वो बिहार की जनता ने बाय इलेक्शन में इनको जो है संदेश दे दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में जो हुआ और भी कई एक राज्यों में, गोवा में, कई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और जिस प्रकार से बिहार में आप देखे होंगे कि रात ही रात जो है सत्ता जो है पलट गई। ये खेल जो है जनता के सामने है, किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जनादेश का अपमान किया जा रहा है, ये सबके सामने है। तो सही समय आने दीजिए, जनता सब देख रही है, जनता जो है जवाब देने का काम करेगी। ये सत्ता का है या क्या? बोलने में चुप रहिए ना, कितना बोल रहा है। दखल देना पड़ रहा है सत्ता के लिए, सत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को दखल। देखिए मामला जो है न्यायालय में है और जो भी न्यायालय जो है अभी कार्रवाई जो है न्यायालय में चल रही है, देखते हैं फैसला क्या आता है, क्या जजमेंट आता है। कोई भी टिप्पा टिप्पणी पहले करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट बिना देखे हुए और एविडेंस क्या क्या लोगों ने दिया है ये बिना जानकारी के बिना हमको नहीं लगता कि कोई इस पर टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से लोकतंत्र की हत्या हुई है और जनादेश का अपमान किया। सरकार चाह रही है कि विपक्ष के पास बढ़ाया जाए इसको, विपक्ष के पास जवाब सुनने का मौका नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं सर। सवाल पूछने कहाँ दे रहे हैं आप? तो देख रहे हैं विपक्ष के नेता का ये परंपरा चलती रही है कि सदन के नेता मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का कभी भी माइक जो है बंद नहीं होता, और हमारा जो है माइक लगातार हमको रिक्वेस्ट करना था माइक खोल दीजिए। दूसरे तरफ देखते होंगे कि मंत्रियों का खुला रहता है, बल्कि मंत्रियों का बंद रहना चाहिए, जब इशारा स्पीकर करे तब वो चालू होना चाहिए। कहीं ना कहीं से सत्ता में बैठ करके दुरुपयोग तो लोग कर ही रहे, और जनता जब सवाल क्यों पूछ रही है विपक्ष? अगर आप वो काम कर दिए होते जिसके लिए आप सत्ता में बैठे हैं तो शायद सवाल ही जनता हम विपक्ष के लोग नहीं पूछते, सब कुछ ठीक रहता। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है सत्ता में बैठे लोगों को जानना चाहिए। बहुत बहुत तेजस्वी जी, जटारंग सिंह जी को कमान सौंप रहे हैं।